हाय फ्रेंड्स, ये एक डीसी टू एसी इन्वर्टर सर्किट बोर्ड है। जैसे कि 12 वोल्टेज की बैटरी से ये 220 वोल्ट का करंट निकालता है। आप इससे बल्ब वगैरह चला सकते हो। यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेसिटर में पावर सप्लाई दे सकते हो। ये है इनपुट और जो ट्रांसफार्मर के पास एक जो आउटपुट लिखा है वो है आउटपुट। हमें इसके ऊपर बल्ब को कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमें एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉपी पे आसानी से मिलेंगे। और इसका जो सर्किट बोर्ड है इन्वर्टर का, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये ऑनलाइन मिलता है थोड़े से ज़्यादा प्राइस में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉपी पर इसका कीमत को जान लीजिएगा, तभी आप इसे परचेज़ कीजिएगा। इस सर्किट बोर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है और मैंने उसे अपलोड भी कर दिया है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद सारी डिटेल्स आपको मैंने उसमें दी है। सबसे पहले मैंने इस सर्किट बोर्ड पर लोड कनेक्ट किया है 100 वाट का बल्ब, और ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों वायर है, मैं डायरेक्ट अपने 12 वोल्ट 7 एम्पियर के बैटरी पर मैं इसे कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हो ये बल्ब अच्छे से वर्क कर रहा है, और आप इस पर अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो अपने चार्जर के थ्रू। इसके अंदर डायरेक्ट आप चार्जर का वायर भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि जो चार्जर में हम लोग डायरेक्ट चार्जर को जो है एसी बोर्ड में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उसके दोनों पिन आप इस बोर्ड में लगाकर मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको एक दूसरी एलईडी बल्ब भी मैं आपको इसमें ज्वाइन करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद हमारे पास है 5 वाट का बल्ब। ये बजाज का बल्ब है, ओरिजिनल बल्ब है। इसके आगे CFL भी फेल है, यानी कि कहने का मतलब ये है इसके आगे CFL की जो रोशनी है ये फेल है। मैं आपको इसका वोल्टेज आउटपुट भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आएगा 180 वोल्ट, क्योंकि इसके अंदर लोड भी हमने कनेक्ट किया है। लोड अगर निकाल देते हो तो इसके अंदर कम से कम 220 या 230 वोल्ट आएंगे शायद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ को आप देख सको।